अस्सलाम वालेकुम। मरियम किचन में आप सबों को खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ रवे के, खोपरा रवे के लड्डू। इसके लिए मैंने ये दो नारियल का खोपरा ली हूँ, ज़्यादा ही खुरचती हूँ तो उसका नीचे का ये आ जाता है पार्ट। इसके लिए हम लेंगे आधा लीटर दूध, इसमें डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। शक्कर अपने हिसाब से लेंगे, कम ज्यादा मीठा। मैंने चूल्हा ऑन किया, उसको पकाएंगे। एक कप शक्कर डालेंगे, पिघलने के बाद अगर जरूरत लगी तो मैं डालूंगी। रवे को मैंने भून के रखी हूँ 2 कप। इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, इसको और थोड़ा पकाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो शक्कर और दूध सूख चुका है, ये अच्छे से सूखा है। अब इसमें मैंने इसमें किशमिश, ये बादाम और रवा मैंने भून के रखी थी, इसको अब मिलाएंगे अच्छे से। चूल्हा कम करके आज चूल्हे की इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसको थोड़ा मैंने चूल्हा बंद करती हूँ और इसको ठंडा होने के बाद फिर लड्डू बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए लड्डू, ये साइज़ के अच्छे, इससे बहुत बड़े भी अच्छे लगते हैं। मैं बनाती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। देखिए हमारे लड्डू नारियल के और रवे के। अगर आपको इससे ज़्यादा रवा थोड़ा चाहिए तो आप ले सकते हैं, मैंने इतना ही बस की। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी और एक रेसिपी में।
अस्सलाम वालेकुम।